ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। काशीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका जॉइंट टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत जॉइंट टीवी। मनोज जी, सबसे पहला सवाल यही कि जनता आपको वोट क्यों दे? निश्चित रूप से काशीपुर के विषय में कांग्रेस का प्रत्याशी होने के नाते जी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, काशीपुर का विकास हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी के समय में काशीपुर में स्टेडियम से लेकर के डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तमाम चीजें काशीपुर में बनी है। और हमने विगत में पिछला चुनाव भी लड़ा था, पिछला चुनाव हारने के बाद भी हम लोगों ने कांग्रेस सरकार में 200 एकड़ में एजुकेशन हब की स्थापना की बात करी है, 50 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करी है, द्रोणा सागर माइनर को हमने बंद कराने की बात करी है, लगभग 50-55 करोड़ की सड़क का निर्माण कराया जी। जिसके और ये सब वो चीजें हैं जिनके बारे में कि वर्तमान विधायक अनभिज्ञ है, उनको जानकारी नहीं है, वो बता नहीं सकते। तो विकास के लिए इस समय जनता से हम सामने हैं और जनता में इस समय परिवर्तन की बयार है और जनता निश्चित रूप से मनोज जोशी और कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छा मतदान करेगी। जोशी जी, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सियासी मैदान में जा रहे हैं? काशीपुर का मुख्य मुद्दा जिले का मुद्दा है, फ्लाईओवर का मुद्दा है, तीर्थ स्थल द्रोणा सागर गिरिताल के सौंदर्यीकरण का मुद्दा है, एजुकेशन हब को खूबसूरत बनाने का मुद्दा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार का मुद्दा है, सड़कों को अच्छा बनाने का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं। और जनहित को देखते हुए यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। जोशी साहब, यहाँ से बसपा भी कमर कैसे हुए, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? क्या सर, मैं आपका क्वेश्चन सर, बीजेपी तो यहाँ पर थी ही, साथ ही अब बसपा ने भी यहाँ से काफी अच्छी जो है दिख रही है यहाँ पर बसपा, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप अपने लिए? नहीं, मेरा निश्चित रूप से मेरा मुकाबला मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी के साथ है और बसपा वगैरह बहुत कटाऊ नेता है, बसपा को तो हम बहुत कटाऊ मानते हैं, थोड़े बहुत काट लिए नहीं तो बाकी इनका कुछ अस्तित्व नहीं है। जोशी जी, अगर आप जीतते हैं तो सबसे यही सवाल जानना चाहेंगे, अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम आप काशीपुर की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, फ्लाई ओवर है, उसके निर्माण में प्रायोरिटी होगी, सौंदर्यीकरण की बात होगी, काशीपुर उत्तराखंड का गेटवे है, गेट है, यहाँ जब लोग आए तो सुंदर महसूस करें, लॉ एंड ऑर्डर में मेरा विशेष ध्यान रहेगा, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम करना बाकी है अभी, आज इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा का जमाना है, अगर हम लोग नए जवानों को बच्चों को खूब बुद्धि का वो प्रयोग नहीं दिखा पाएंगे तो यहाँ काशीपुर का विकास नहीं होगा। काशीपुर शहर का भी विकास करना है और काशीपुर लोगों का भी विकास करना, ये मेरा मुख्य मकसद है। जोशी जी, एक आखिरी सवाल, आप जैन टीवी के मंच से काशीपुर के वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मेरा निश्चित जैन टीवी के माध्यम से काशीपुर के लोगों को निवेदन है कि आइए परिवर्तन के बयार में शामिल हो जी। अब आपको काशीपुर का भी सौंदर्यीकरण करना है और काशीपुर के लोगों का भी है, हमारा काशीपुर सर्वश्रेष्ठ काशीपुर हो, इस आह्वान के साथ मैं चुनाव के मैदान में निकला हूँ। क्षेत्र की जनता के से मेरा निवेदन है, मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है कि वो आइए और पहचाने वक्त की नजाकत, 15 साल तक काशीपुर शून्य रहा, अब इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा सभी साथियों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, मतदाताओं से निवेदन है कि वो आगे आए, किसान लोग आगे आए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं। जी, जैन टीवी के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज जोशी ताल ठोक रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि उनका मुकाबला बीजेपी के साथ है और इन चुनावों में वो जीत हासिल करेंगे। तो काशीपुर का ये था सियासी सफरनामा और चलते चलते अब बात करते हैं काशीपुर का किंग बनने की हसरतों के बारे में और इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। काशीपुर का किंग बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस सीट को जीतने के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। इन चुनावों में सीट पर उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने इस बार भी हरभजन सिंह चीमा पर ही भरोसा जताया है। पिछले 3 बार से काशीपुर के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार हैं। जो काम नहीं हो पाए उन कामों को पूरा करना, जनता की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा करना,
उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पिछली बार के रनर अप रहे मनोज जोशी पर फिर से दांव खेला है। पिछले चुनावों में चीमा से 2382 वोटों से हारे जोशी पर कांग्रेस एक बार फिर से उम्मीद लगाई हुई है। की विधायक जो वर्तमान है उसने 15 साल तक कुछ नहीं किया, एक उपलब्धि वो अपने नहीं गिना सकते, तो वो सब जनता को महसूस हो रहा है कि हाँ भाई हम लोगों ने अब परिवर्तन लाना है, तो ये परिवर्तन की बयार है, हरीश रावत की बयार है, लोग समझ रहे हैं और लोग आगे बढ़ कर के समर्थन भी देने के लिए आ रहे हैं और चुनाव में विजयी का ये विजयी होने का संकेत। इसके अलावा इस सीट से बीएसपी ने मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी पर भरोसा जताया है। चूंकि काशीपुर पिछले 60 साल से जिले की डिमांड कर रहा है और सब लोगों ने बारी बारी से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो काशीपुर की जनता को छला है, काशीपुर की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, काशीपुर की जनता इस बार उन्हें जवाब देगी। हमारी नहीं उनकी हमसे हो सकती है, हमारी किसी से टक्कर नहीं, हम जीत रहे हैं। इन तीनों राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा इस बार इस सीट से राजीव अग्रवाल भी मैदान में हैं। राजीव अग्रवाल इस बार इस सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और माना जा रहा है कि वो इस बार काशीपुर की फाइट को त्रिकोणीय एंगल दे सकते हैं। निश्चित तौर पर उम्मीद से ज्यादा समर्थन जनता के द्वारा मुझे मिल रहा है, जिस बात को सोच करके कि काशीपुर के अंदर पिछले 15-20 वर्षों में विकास नहीं हुआ, जनता नाराज है। वास्तव में जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूं तो जनता मुझसे यही सवाल कर रही है कि आपको और पहले आ जाना चाहिए था, आपने लेट कर दिया आने में। तो पूरा समर्थन जनता का मुझे मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा समर्थन मुझे मिल रहा है। बहरहाल देखते हैं कि काशीपुर का किंग कौन होगा, लेकिन फिलहाल तो जंग जारी है। रफी खान, जैन टीवी, काशीपुर। चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है और हर दल की निगाहें अब मिशन 2017 को फतेह करने पर है। देवभूमि के दंगल को फतेह करने के लिए हर चाल और हर दांव पीछ चले जा रहे हैं और कोशिश यही है कि इस दंगल का विजेता कौन बना जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और प्राइम टाइम के दूसरे मुद्दे में आज बात करेंगे हम काशीपुर विधानसभा सीट की। और काशीपुर में इस वक्त लड़ाई जोरों पर है और 3 बार से सीट पर विधायक रहे चीमा एक बार फिर मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस के जोशी ताल ठोक रहे हैं। काशीपुर विधानसभा में चल रही सियासी सरगर्मी को दूसरे मुद्दे में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। इस सीट पर भी हालात कमोबेश काशीपुर की तरह ही हैं और इस सीट पर भी बीजेपी के विधायक पिछले 3 सालों से लगातार कब्जा जमाए हुए हैं। तो शुरुआत धर्मनगरी के धर्मयुद्ध से। गंगा नदी के तट पर बसे हरिद्वार को कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं से लेकर आज तक यह शहर अपने महत्व को बनाए रखे हुए है। हरिद्वार विधानसभा के सियासी मिजाज को देखें तो उससे पहले एक नजर डालते हैं इस शहर के इतिहास और पौराणिक महत्व पर। हरिद्वार प्राचीन काल से ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, गृहस्थों और यहाँ तक की सिद्ध गंधर्वों तक को अपनी ओर खींचता रहा है। गंगा की धवल धारा, कल कल निनाद, मंदिरों से सुबह शाम आती शंख और घंटे की आवाजें हर व्यक्ति को बरबस ही अपनी ओर खींचती हैं। यूं तो उत्तराखंड बनने के बाद से ही हरिद्वार को एक अलग विधानसभा के रूप में स्थापित कर दिया गया, लेकिन हरिद्वार के इतिहास पर नजर डालें तो पौराणिक काल में भी इस शहर का इतिहास मिल जाता है। पवन पावनी माँ गंगा के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुँचने का द्वार। इसे धर्म नगरी के अलावा और भी कई नामों से जाना जाता है। इस शहर का पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिनकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती है।
माना जाता है कि चीनी यात्री युवान चुआंग ने माया को ही मयूर नाम से लिखा है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है और इस ग्रंथ में हरिद्वार का जिक्र प्रसिद्ध तीर्थों के साथ मिलता है। वैसे आपको बता दें कि हरिद्वार नाम भी बेहद पुराना है, क्योंकि हरिवंश पुराण में हरिद्वार या हरिद्वार का जिक्र तीर्थ के रूप में है। हरिद्वारे कुशावर्ते नील के भिल्ल पर्वते श्रात्वा कनखल तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। इसी तरह मत्स्य पुराण में भी सर्वत्र सुलवा गंगा त्रिपु स्थानेशु दंडर्वा हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। लेकिन युवान चुआंग के समय यानी 7वीं शती ईस्वी तक हरिद्वार का नाम मायापुरी नाम से ही अधिक मिलता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में हरिद्वार का नाम मायापुरी के नाम से मिलता है। माना जाता है कि मय दानव के रहने की जगह होने की वजह से इसका नाम मायापुरी पड़ा। वैसे शहर को मायापुरी कहने के पीछे एक और तथ्य प्रचलित है और वो ये कि दक्ष यज्ञ की अग्नि में स्वयं के प्राणों को उत्सर्ग करने वाली माँ सती की देह की नाभि यहाँ गिरी और इसलिए इसे मायापुरी कहा गया। कनिंगम के मुताबिक हरिद्वार को कोहपेरी भी कहा गया। कोह का मतलब पहाड़ होता है। माना जाता है कि उस वक्त हर की पैड़ी पहाड़ की तलहटी में एक छोटे से कुंड के रूप में रही होगी। वैसे आपको बता दें कि हरिद्वार का जिक्र अव्वल फजल की लिखी गई आईने अकबरी में भी मिलता है। इसमें लिखा गया है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इसके बारे में कनिंगम में भी लिखा है। कनिंगम में लिखा है कि राजा मानसिंह ने गंगा की धारा के बीच एक अष्टकोणीय स्तंभ बनाया था और वही स्तंभ गंगा मंदिर के रूप में आज भी मौजूद है। इसी गंगा मंदिर के नीचे राजा मानसिंह के अस्थि अवशेष भी गड़े हुए हैं और इसी वजह से मंदिर को राजा मानसिंह की छत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब राजा मानसिंह के अस्थि अवशेषों को गंगा में विसर्जित करने के लिए लाया गया तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने उनके अस्थि विसर्जन से इनकार कर दिया और जिसकी वजह राजा मानसिंह का अपनी बहन जोधाबाई का अकबर से विवाह थी। जब तीर्थ पुरोहितों ने राजा मानसिंह के अस्थि अवशेषों को विसर्जन कराने से इनकार कर दिया तो इन अस्थि अवशेषों को गंगा मंदिर के नीचे गाड़ दिया गया। हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम होने की वजह से हरिद्वार को कपिला नाम से भी जाना जाता था। हरिद्वार के बारे में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ जाकर आप अपने पूर्वजों का इतिहास ढूंढ सकते हैं। पुरानी रिवाजों के मुताबिक हिंदू परिवारों की पिछली कई पीढ़ियों की वंशावली हिंदू ब्राह्मण या पंडित जिन्हें पंडा भी कहते हैं वो जमा करते थे। ये दस्तावेज हाथ से लिखी हुई पंजियों में है और कहा जाता है कि इन्हें जिलों और गांवों के आधार पर सहेज कर रखा गया है। सुनील पाल, जैन टीवी, हरिद्वार। हरिद्वार से ही सुनील पाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपकी बार हरिद्वार सीट बेहद हॉट मानी जा रही है और आप दिन भर इस सीट को कवर करते हैं, जनता का मूड क्या है? बिल्कुल राजीव, देखिए हरिद्वार सीट हॉट सीट के रूप में जरूर है क्योंकि यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा से जो विधायक हैं वो 15 साल से लगातार विधायक की सीट पे काबिज हैं और इस बार कांग्रेस ने 15 साल का वनवास खत्म करने के लिए जो है ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी को जो है उनके सामने उतारा है। ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी की बात करें तो वो एक बड़े संत के रूप में यहाँ पर जो है जाने जाते हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि जो जनता के साथ साथ जो साधु संत समाज है वो भी जो है उनके साथ होगा और 15 साल का जो वनवास है वो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार में खत्म होगा। प्रयास जरूर है। जो सीट के समीकरण की बात करें वैसे राजीव, यहाँ से कुल 9 प्रत्याशियों ने जो है पर्चा दाखिल करा है जिसमें से ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी कांग्रेस से हैं, मदन कौशिक जो है वो भाजपा से हैं और बीएसपी से अंजू मित्तल ने जो है पर्चा दाखिल करा। इसके अलावा जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी निर्दलीय हैं और एक प्रत्याशी वहां पर जो यूकेडी का भी है। तो कुल समीकरण की बात करें तो मुख्य मुकाबला जो यहाँ पर नजर आ रहा है सीधा सीधा जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। राजीव जी, सुनील आपसे जानना चाहते हैं कि हरिद्वार से सटी हरिद्वार ग्रामीण सीट भी है जहां से सीएम साहब खुद रण में हैं और अगर सीएम यहां से जीत जाते हैं तो आसपास की सीटों पर कितना असर पड़ेगा? देखो राजीव, देखिए मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार ग्रामीण से जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का हरिद्वार जिले की किसी भी सीट से का चुनाव लड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों पर जो है कहीं ना फर्क पड़ता जरूर यहाँ पर नजर आएगा। जैसे खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार ग्रामीण से हैं और लक्सर से भी उन्होंने जो मुस्लिम कार्ड खेला है और इसके अलावा बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वार से संत के ऊपर जो है विश्वास यहाँ से जताया गया। तो जाहिर सी बात है कहना कि मुख्यमंत्री के जो कुछ चुनाव लड़ने से हरिद्वार की कुछ सीटों पर फर्क जरूर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी सुनील, हरिद्वार जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ में अपनी पैठ बनाने के लिए इससे पहले सीएम हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज जहाँ पहुंचे, रैलियां की बड़ी सौगातें दी गई है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हरिद्वार में रहे हैं और क्योंकि लगाव
जरूर रहा है मुख्यमंत्री को हरिद्वार से, क्योंकि जब सबसे जो सांसद हरिद्वार की जनता ने उनको चुनके भेजा था और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जब है तभी उनका लगा, उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनाव जरूर यहाँ से लड़ाया था, लेकिन मोदी लहर थी उस वजह से वो सीट को नहीं जीत पाए थे, लेकिन उन्हें अभी भी पूरा विश्वास है। लगातार जिस तरीके से उनके दौरे रहे हैं, कई घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव आचार संहिता से पहले की गई थी, तो उसका कहीं ना कहीं जरूर फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। जी सुनील, सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कांग्रेस के लिए सीएम हरीश रावत जहां ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं, तो बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारकों को देवभूमि बुलाने के कार्यक्रम को फाइनल कर रही है। अमित शाह का देवभूमि में आने का दौरा फाइनल हो चुका है और फरवरी की फाइट से पहले शाह यहां आकर रैली के जरिए हुंकार भरेंगे। कब शाह साहब पहुंचेंगे वो सुनते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कार्यक्रम तय हुए हैं, वे 7, 9 और 12 फरवरी को उत्तराखंड में 9 विधानसभा क्षेत्रों में विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद हमारे जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वे 4 फरवरी को आ रहे हैं और उनके 3 स्थानों पर विधानसभा रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा सर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये सभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनके कार्यक्रमों का अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले 1-2 दिन में उनके कार्यक्रमों के बारे में भी सुनिश्चित जानकारी मिलते ही हम वो मीडिया से शेयर करें। और इस मौके पर बीजेपी ने एक बार फिर सीएम हरीश रावत पर सिंह मामले को लेकर अपनी भड़ास निकाली। क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। कहते हुए पकड़े गए थे हरीश रावत जी कि मेरी सरकार चलने दो और तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो अपने विभागों से, मैं आंखें बंद कर लूंगा। उसी का एक्सटेंशन है मुख्यमंत्री जी का ये बयान। और ये हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने भ्रष्टाचार के प्रति आंखें मूंद ली, अपनी कुर्सी बचाने के लिए समझौते कर लिए। अगर वाकई वो गार्ड गदेरे से के व्यक्ति हैं, मंडवा झंगोरा खाने वाले उत्तराखंड सच्चे उत्तराखंडी थे, तो उन्हें तुरंत कोई समझौता करने की बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार देनी चाहिए। वहीं बुधवार को नाम वापसी के आखिरी दिन खत्म हो जाने के बाद से अब 70 विधानसभा सीटों पर 634 उम्मीदवार मैदान में हैं और बुधवार को 51 उम्मीदवारों के नाम जो है वापस उन्होंने लिए हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अभी भी कई सीटों पर बागियों को मना पाने में असफल रही है, जिससे कई सीटों पर अब दोनों दलों के सामने चुनौती साफ देखी जाएगी। बात बीजेपी करें तो रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, काशीपुर से राजीव अग्रवाल, वहीं नरेंद्रनगर से ओम गोपाल रावत, वहीं केदारनाथ से आशा नौटियाल, गंगोत्री से सूरतराम नौटियाल, डीडीहाट से कृष्ण भंडारी, प्रताप नगर से राजेश्वर पैनुली और देवप्रयाग से दिवाकर भट्ट पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के घर की बात करें यहां झांके तो सहसपुर से आयेंद्र शर्मा, धनौल्टी से मनमोहन मल, देवप्रयाग सीट से शूरवीर सिंह सजवाण, वहीं यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, ज्वालापुर से ब्रिज रानी, तो रुद्रप्रयाग में प्रदीप थपलियाल और भीमताल से राम सिंह केड़ा मैदान में अभी भी डटे हुए हैं और इन सीटों पर कांग्रेस के सामने ये सभी लोग तमाम लोग दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से आलाकमान ने कोशिशें तेज की थी कि किसी तरह से इन्हें मनाया जाए, किसी तरह से वोट ना कटें, लेकिन ये मानने में बिल्कुल नहीं माने हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको लिए चलते हैं किच्छा के रण में। टिकट कटने के बाद से नाराज होकर किच्छा से निर्दलीय पर्चा भरने के बाद लगातार जीत के दावे कर रही शिल्पी अरोरा ने आखिरकार अपना नाम वापस ले लिया है। और आपको बता दें कि शिल्पी ने किच्छा सीट से चुनावी रण में वो डटे हुए थे और सीएम हरीश रावत को चुनौती उन्होंने दी हुई थी और लगातार शिल्पी अरोरा को मनाने की कोशिशें जारी थी। खुद राहुल गांधी ने कमान अपने हाथ में ली थी, लगातार हाईकमान की तरफ से उनको कॉल जो है फोन किए जा रहे थे, किसी तरह उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार उन्हें मनाने में कामयाबी नजर आई है कांग्रेस। तो आपको बता दें कि किच्छा के रण से शिल्पी अरोरा ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। वो लंबे अरसे से आपको बता दें कि टिकट की मांग कर रही थी। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव में उतरे प्रत्याशियों ने प्रचार भी तेज कर दिया और इसी कड़ी में ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर ने भी डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। चार कोणों में होने वाला, पहले हम त्रिकोण में से पहले थे, हम चार कोणों में मुकाबला, लेकिन हम जीतेंगे, जीत हमारी निश्चित है और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह है और जहां जा रहे हैं भारी समर्थन हमें मिल रहा है और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। वहीं कलियर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जय भगवान सैनी ने अब डोर टू डोर प्रचार करना शुरू कर दिया है। जय भगवान का कहना है कि उन्होंने अपनी विधानसभा में दरियापुर, दयालपुर, सतरसा समेत कई गांवों का दौरा किया है और उन्हें लोगों का पूरा समर्थन भी यहां मिल रहा है। मैं इसे दोहरा नहीं कर सकता, मैं घर घर प्रयास कर रहा हूँ, घर घर आशीर्वाद दे रहा हूँ, जब प्रत्येक घर पे जाकर आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान जी सीधे सज्जन और मेहनत और लोगों के बीच में सीधा संपर्क कर रहे हैं और उनके अंदर एक कार्य करने की जो अक्षमता है उससे लोग बहुत खुश है। कोई कंपटीशन में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने पिलान कलियर में। और अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार ग्रामीण की सीट पर, जहां से सीएम हरीश रावत ने ताल ठोकी और उनके सामने बीजेपी के दिग्गज स्वामी यतीश्वरानंद हैं। उन्होंने भी जो है प्रचार अभियान तेज कर दिया है, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और सीएम हरीश रावत के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगातार उनके साथ देखा जा रहा है। तो डोर टू डोर संपर्क उन्होंने भी तेज कर दिया है, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं हरिद्वार ग्रामीण सीट से। और इस सब बेहद हॉट सीट है, आपको बता दें कि इसी सीट से सीएम हरीश रावत ने भी ताल ठोकी है। सीएम हरीश रावत हालांकि दो सीटों से लड़ रहे हैं, किच्छा विधानसभा से और हरिद्वार ग्रामीण से, और इस सीट से बीजेपी की तरफ से स्वामी यतीश्वरानंद चुनावी मैदान में है। उन्होंने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है, गाँव गाँव में जाकर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत उन्होंने की है। मुख्यमंत्री कोई नया नहीं है क्योंकि उन्होंने 6 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, वो यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री है। इस समय जब मुख्यमंत्री रहते हैं और केंद्रीय मंत्री रहते हैं, यहाँ कोई विकास नहीं करा तो आगे विधायक बने क्या विकास करेंगे। और जनता ने मन बनाया कि हरीश रावत जी वोट मांगने के लिए आए, हम पूछेंगे आपने कौन सा ऐसा विकास किया। वहीं विधानसभा चुनाव के बीच ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार रह चुके ब्रिज रानी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। ब्रिज रानी ने अपनी विधानसभा में एक बैठक का आयोजन किया और अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति उन्होंने तय की। जब लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया तभी मैं क्षेत्र में निकली हूँ और लोग चाहते कि मैं लड़ूं। उन लोगों ने मुझे बैठने 5 साल मैंने मेहनत की है, ये वो करके दिखाएंगे।
कि जो मेरे साथ हुआ है धोखा किया है पार्टी ने। किसी को टिकट देने से वोट नहीं होता, अगर उसे वो टिकट दिल्ली से ला सकता है तो वोट भी दिल्ली से लेके आ जाता ना। वही ज्वालापुर से 2017 के संग्राम को जीतने के लिए मदन लाल भी मैदान में हैं और गौरतलब है कि मदन लाल 2012 के चुनाव में बसपा से इसी सीट से चुनाव मैदान में थे और बहुत ही कम वोट से बीजेपी से हार कर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वही मदन लाल ने ज्वालापुर विधानसभा में कई क्षेत्रों में डोर टू डोर कार्यक्रम किया, दौरे किए, जनसंपर्क तेज कर दिया। चुनाव लड़ने का मेरा कोई निजी फैसला नहीं था, मैं पिछली बार बहुत कम वोट से हरा था और लगातार मैं लग रहा था फील्ड में कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी जनता का फैसला भी यही था। तो टिकट का भी बहुत प्रयास हुआ लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी जब टिकट नहीं हुआ अब मैं अपनी जनता के बीच में गया, उन्होंने मुझे कहा कि टिकट पार्टी के हाथ में था, वोट हमारे हाथ में है, आप अपना पर्चा दाखिल करो, हम सब लोग आपकी साथ में। वही पार्टी से बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने 2 दिन की मोहलत दी है और यदि 2 दिन के भीतर कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी जिला संगठन प्रभारी और प्रदेश मंत्री राजेंद्र अंतवाल ने कहा कि पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह बोहरा और पूर्व मंत्री माधवपर सिंह कंडारी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और संगठन में हर रोज कई आते हैं और कई जाते हैं। वही केदारनाथ विधानसभा से बगावत करने वाली पूर्व विधायक आशा नौटियाल को भी 2 दिन की मोहलत दी गई है। भाजपा को कोई झटका नहीं लगा, ये समुद्र जैसा संगठन है, इसमें कई नदियां आके गिरती है, कोई प्रभाव उसका फर्क नहीं पड़ता, कुछ पानी इधर उधर छलकता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ दुख जरूर होता है जब कभी अपने साथ जो लोग रहते हैं वो इधर उधर भटकते हैं और छोड़े से क्षणिक स्वार्थ के लिए करते हैं तो तब थोड़ा सा वो रखता है, इस बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं। और अब आपको लिए चलते हैं कोटद्वार सीट, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कोतवाली मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने 15 फरवरी को शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कोटद्वार शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च कर लोगों से अपील की कि विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान वो करें और पुलिस प्रशासन का हर संभव मदद करने की कोशिश करें। देखिए इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में एरिया डोमिनेशन के लिए जितना भी हमें बाहर से फोर्स मिला है, जिसमें 2 कंपनी PAC और हमारा जो थाने का फोर्स है उसके साथ हम लोग संवेदनशील इलाकों में जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे जो वोटर्स हैं उनके मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे। वहीं बुधवार को रुद्रप्रयाग मुख्यालय में तैनात 6 कुमाऊं रेजिमेंट के 76वां स्थापना दिवस बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान सेना के जवानों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति यहां दी। वहीं कुमाऊं रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर सेना के जवानों में भारी उत्साह देखने को मिला और इस अवसर पर कर्नल राजीव नयन सिंह ने कहा कि सैनिक देश का गौरव है और देश की सुरक्षा में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जय न्यूज। बसपा भी यहां से चुनौती दे रही है तो कितनी टक्कर यहां से है? बिल्कुल देखिए, अगर हम हरिद्वार शहर की बात कर रहे हैं तो हरिद्वार जो नगर सीट है उसमें सीधा सीधा मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार हरिद्वार के अंदर नहीं है और BSP भी अभी उसका भी जनाधार बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मुकाबले की बात करें सीधा सीधा मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच हरिद्वार नगर सीट पे होने जा रहा है।
सुनील, इस सीट से सीएम हरीश रावत सांसद भी रहे हैं और क्या आपकी बार जनता एक बार फिर उन्हें अपनाएगी यहां से? बिल्कुल, देखिए हरीश रावत की बात करें तो लगातार प्रयास उनके हैं, क्योंकि वो जितनी भी विधानसभा है उनमें अपने विधानसभा के साथ साथ अलग और जो विधानसभा है उनमें भी जो है जाके रोड शो कर रहे हैं, प्रत्याशियों के साथ जो है रोड शो किया जा रहा है, सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो उन प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री खुद हरदौर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका फर्क जरूर जो है अन्य सीटों पर भी देखने को मिलेगा। राजी जी सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हरिद्वार की सीट बेहद हॉट है, कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हालांकि बीजेपी यहां से अजय रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अच्छा खासा असर यहां पर अपनी छाप छोड़ने में जो है कामयाब नजर आए और उसे सटी हुई सीट से सीएम हरीश रावत चुनावी मैदान में। तो ये तो इस सीट पर एक बार फिर एक तरफ बीजेपी के तीन बार के विधायक रहे मदन कौशिक हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। देखते हैं कि पब्लिक का क्या कहना है कौशिक साहब के कामकाज के बारे में और दूसरे उम्मीदवार किस तरह कौशिक के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। चेहरा एक, पार्टी एक, लेकिन भरोसा अब तक डिगा नहीं। हरिद्वार विधानसभा की आवाम ने राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक हुए तीनों चुनावों में अपना वरदहस्त बीजेपी के मदन कौशिक पर बनाई रखा और हर बार मदन कौशिक को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। 2007 के चुनावों में तो मदन कौशिक को यहां की जनता ने बंपर जीत दिलाई और 28,640 वोटों से जिताकर अपना विधायक बनाया। मदन कौशिक पर हर बार यहां की जनता ने भरोसा जताया और शायद यही वजह रही कि इस बार भी बीजेपी ने मदन कौशिक पर ही दांव खेलने में अपना विश्वास जताया। विवादों से कौशिक साहब का नाता जरूर रहा हो, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर उन्होंने हमेशा अपनी सफलता के झंडे गाड़े। मदन कौशिक के वादों और हकीकत को जब हम टटोलने निकले तो ज्यादातर चेहरे हमें वो दिखे जो विधायक जी के कराए गए कामों से संतुष्ट थे। 2012 के चुनावों में मदन कौशिक ने आवाम को वादों की जो लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाई थी उनमें कुछ अहम वादे कनखल नाटो वाली में जमा होने वाले बरसाती पानी से इलाके के लोगों को निजात दिलाना, बिजली की दिक्कत और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाना, उत्तरी हरिद्वार में सीवर लाइन बिछवाने का वादा, उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल का वादा समेत क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना अहम थे। इन वादों की कसौटी पर विधायक साहब कितने खरे उतरे इसको जानने के लिए जब हम जनता के पास पहुंचे तो यही बताया गया कि विधायक जी ने अपने कई वादों को पूरा कर दिया। आवाम का कहना यही था कि वो इस बार भी मदन कौशिक को ही अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी। वो सर सर्वप्रथम अवसर जीतेंगे और जीतने के बाद उन्होंने हमारे इतने अच्छे काम किए हैं कि हमारे बराबर वाले गली में सीवर लाइन डलवाई है और पक्की सड़क बनवाई है। हम तो भगवान से हमारी ये दुआ है कि वो दोबारा फिर जीत का है। उन्होंने काम तो किया है, चाहे छोटी खबर हो चाहे बड़ी खबर हो, किसी की यहाँ कोई बात हो तो आगे खड़े हो जाते हैं और हमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। लेकिन जो है इस बार भी हम जो है मदन कौशिक जी के साथ हैं और मदन कौशिक जी ही सीट निकाली। वैसे मदन कौशिक ने पिछली बार आवाम से जो वादे किए थे उन पर जनता मोहर तो लगा रही है, लेकिन विधायक जी ने पिछले चुनावों में ये वादा तो किया था कि वो उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल बनवाने के साथ ही वहाँ पर सीवर लाइन बिछवा देंगे। लेकिन अस्पताल के लिए भूमि तो स्वीकृत हुई है लेकिन अस्पताल अब तक बन नहीं पाया और आवाम की उम्मीद यही है कि इस बार जीतने पर वो अस्पताल बनवाएंगे। जो भी काम किया सही किए, मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब उसने कुछ काम नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ऐसी समस्या है कि एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी उसमें जा सके। तो आप क्या उम्मीद की जाए? उनसे उम्मीद ये है कि ऐसा अस्पताल बनाए, सरकार से कहें कि ऐसा अस्पताल होगी कम से कम पब्लिक उनके उस अस्पताल में जा सके। उधर मदन कौशिक को अपनी जीत पर इस बार भी भरोसा है और उनका कहना यही है कि उन्होंने इलाके में विकास के बहुत से काम कराए और जब इस बार जीतकर विधानसभा में जाएंगे तो अधूरे कामों को भी पूरा कराएंगे। देखिए आने वाला समय हम हरिद्वार को एक डेवलप्ड शहर बने, हरिद्वार एक बहुत तेजी के साथ विकास करे। आज केंद्र में सरकार होने के कारण हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं हम तेजी से हरिद्वार को आगे बढ़ाएंगे, एक डेवलप्ड सिटी बनाएंगे और इसकी शुरुआत हमने की है। गैस की पाइपलाइन 500 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। आने वाले समय में हरिद्वार शहर में बड़ा हॉस्पिटल, एक कॉल सेंटर, एक युवाओं के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, इस तरह का एक बड़ा काम हम यहाँ लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं हम जिस तरह की आवश्यकता हरिद्वार को एक डेवलप्ड सिटी बनाने में। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार बने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का दावा है कि इस बार हरिद्वार की जनता परिवर्तन लाएगी और कांग्रेस को विजय दिलाएगी। हर बहने हर भाई ये चाहता है कि इस बार बदलाव हो, बदलाव में एक साफ सुथरी छवि का संत हरिद्वार की जनता की सेवा के लिए उतरा है और ये
मुझे लगता है कि हरिद्वार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बहुत से इलाकों में गया हूँ, बहुत सी शिकायतें हैं। 15 साल में जो उम्मीद एक जनप्रतिनिधि से होती है, एक भी सपना हरिद्वार की जनता का पूरा नहीं हुआ। और मैं क्योंकि एक मेरी सोच डेवलपमेंट की है, उस सोच को मैं धरातल पर लेकर के आऊँगा और मुझे हरिद्वार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं बीएसपी की उम्मीदों को पार लगाने के लिए अंजू मित्तल भी मैदान में हैं और वो इलाके की समस्याओं को गिनाते हुए जनता से यही वादा कर रही हैं कि वो जीती तो इन दिक्कतों को दूर कर देंगी। जैसे कि देखिए, कोई किसी के घर पे छप्पा नहीं है, किसी के यहाँ लाइट नहीं है और गंदगी इस तरह से है कि उनके घरों के बाहर कूड़े के ढेर लग रहे हैं, उसमें जानवर घूम रहे हैं, वो जो गंदगी वो फैला रहे हैं। वैसे बहुत जगह कूड़ेदानों की व्यवस्था होती थी, अब सब जगह वो कूड़ेदान तक हट गए हैं, जिससे कि वो सड़कों पर ही फैल रहा है। और सड़कों की व्यवस्था देखिए तो हर जगह से टूटी पड़ी है, इसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं, बड़े बड़े पत्थर कहीं को पड़े होते हैं। देखें कि पढ़ाई की व्यवस्था भी देख रहे हैं, वो कहीं बच्चे घर में ऐसे ही बैठे हैं छोटे छोटे, वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं भी रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं उनकी समस्याओं को ऊपर तक ले जाने का प्रयत्न करूंगी, जिससे कि उनकी समस्याएं। बहरहाल धर्मनगरी के धर्मयुद्ध को जीतने के लिए फिलहाल सभी के अपने अपने दावे और वादे हैं। देखते हैं कि जनता किस पर भरोसा करती है। सुनील पाल, जैन टीवी, हरिद्वार। वही ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी कांग्रेस प्रत्याशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। इस बातचीत में क्या कुछ रहा, सुनते हैं। कांग्रेस ने 35 सालों का जो वनवास खत्म करने के लिए एक बार फिर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी पर विश्वास जताया है। ये बात करते हैं किस मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच हो जाएंगे, किस तरीके से 35 साल का वनवास खत्म करेंगे। 35 साल का वनवास और ऊपर से 15 साल से लगातार भाजपा के विधायक किस तरीके से जो है इस जो किला है उसको तोड़ने का काम करेंगे। देखिए, हरिद्वार की पहचान यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ की गंगा से है, यहाँ के बच्चों के भविष्य को लेकर के है, यहाँ के रोजगार की बात है। मेरा मुख्य एजेंडा और कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का है। मैं मेरी सोच हमेशा विकास की रही है। 15 साल से हरिद्वार की जनता इस बात को जानती है, जो विधायक यहाँ रहे हैं उन्होंने कितना विकास यहाँ किया है वो सब जानती है। लेकिन मैं अपना कांग्रेस की बात जनता के सामने ये रखूँगा कि मेरा आने का मकसद ये है कि मैं हरिद्वार की संस्कृति के अनुरूप यहाँ काम करना चाहता हूँ, हरिद्वार का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। हरिद्वार में अच्छे हॉस्पिटल हों, हरिद्वार में अच्छी एजुकेशन के स्कूल कॉलेज हों, हरिद्वार में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे रोजगार की तलाश में इतना भटकना ना पड़े, स्थानीय रोजगार उनको बच्चों को मिले और यहाँ का जो समाज है, जो गंगा माँ के आशीर्वाद से यहाँ जो एक पहचान है, इस हरिद्वार नगरी की पहचान, एक संस्कृति की पहचान, उसको बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं क्योंकि एक संत हूँ और उसकी जो एक सोच होती है कि अच्छा समाज बनाना, अच्छा राष्ट्र बनाना, अच्छी सोच से बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना, इस बात को लेकर के और ख़ास तौर से हरिद्वार का विकास जो होना चाहिए था, जो जनता अपेक्षा रखती है, उस अपेक्षा को पूरा करने की मेरी कोशिश रहेगी। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है, मुझे 5 साल का समय देती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भी अभी इतना फील्ड में नहीं थे, लेकिन फील्ड में तो मैं 40 साल से हूँ और बहुत से काम मैं संस्था ने किए हैं और वो सारे विकास के हुए हैं। एजुकेशन मेरा मुख्य मुद्दा है, एजुकेशन अगर अच्छी मिलती है तो बच्चों का भविष्य बनता है। हरिद्वार को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, लाखों की संख्या पर्यटक जो है रोज़ यहाँ पर आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं भी पहले के आगे भी कमी है, तो उसको देखिए। यही मेरा कहना यही है कि हरिद्वार की जो पहचान है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो गंगा पे करोड़ों लोग आते हैं, जिसमें आस्था है हम सबकी, उसकी मर्यादा के अनुरूप जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ, उनको ठहरने की अच्छी व्यवस्था, टूरिस्ट को अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था कोई बात हो जाती है, तो जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ होने चाहिए, तो लोग यहाँ आएंगे तो स्थानीय लोगों का रोजगार चलेगा। तो ये सब चीज़ें मिला करके कि कहाँ से हरिद्वार की पहचान, कहाँ से हरिद्वार का विकास, किन किन मुद्दों से, किन किन चीज़ों से हो सकता है, उनको मैं फोकस करके काम करूँगा। और यहाँ मुख्य तौर से फिलहाल
हरिद्वार की एक बहुत बड़ी मांग है कि यहाँ एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें हर सुविधा लोगों को मिले, वो मेरा प्रयास होगा। बिल्कुल, विकास की जो बातें हैं उनको लेकर अभ्रम स्वरूप जी जनता के बीच जाएंगे और जो कांग्रेस का 35 साल का जो वनवास है उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। सुनील पाल, जैन टीवी, हरिद्वार। नरेश बंसल बीजेपी नेता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका जैन टीवी में। नमस्कार, धन्यवाद सर। आज हरिद्वार सीट पर हम बात कर रहे हैं, हरिद्वार विधानसभा सीट की। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहता हूं कि जनता आप लोगों को वोट आखिर क्यों दे? जनता आपको वोट इसलिए दे कि हम जनता के सरोकारों के लिए, जनता के हित में 365 दिन सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करते हैं जी। जनता के मुद्दों को उचित फोरम पर हम उठाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो हमने जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन से लेकर के जी विधानसभा कूच, सचिवालय कूच, मुख्यमंत्री आवास कूच, ये सब प्रकार के लोकतांत्रिक ढंग के विरोध प्रदर्शन के काम किए हैं जी, जो जनता के हितों के लिए है। क्योंकि ये सरकार भय और भ्रष्टाचार का वातावरण प्रदेश में बना रही थी, हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का आतंक था, इसलिए उनको छोड़कर उनके साथी भी चले गए जी। और जनता आज हमारे साथ खड़ी है, जनता सबके लिए, हम सबका साथ सबका विकास की नीति लेकर के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। जनता का नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है, इसलिए जनता हमको वोट देगी। बंसल साहब, हरिद्वार सीट पर वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सियासी मैदान में इस वक्त उतरे हैं? हरिद्वार सीट के पूरे प्रदेश के साथ है, हरिद्वार में भी कानून व्यवस्था है, अवैध खनन का मामला है, शराब की तस्करी का मामला है, ये सारी चीजें हैं। जनता के विकास में कुछ करने का अभी तक किया नहीं, हरिद्वार में बाढ़ आ जाती है, आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, इन सब चीजों को लेकर के अब जा रहे हैं। हमारे विधायक ने लगातार 3 बार हरिद्वार नगर की सीट जीती है जी। और वहाँ के विकास के लिए संघर्ष किया है, घर घर तक उनकी पहचान है, प्रत्येक घर में उनकी लोकप्रियता है और उस लोकप्रियता के कारण से उनके संघर्षशील के संघर्षशीलता के कामों के कारण से जनता को हित पहुंचाने के कामों से वो जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। बंसल साहब, हरिद्वार से सटी हरिद्वार ग्रामीण सीट्स पर सीएम हरीश रावत खुद रण में हैं और अगर सीएम यहां से जीत जाते हैं तो आसपास की सीटों पर आपके हिसाब से कितना असर पड़ेगा? सीएम के जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, सीएम उस जहाज पर खड़े हैं जो डूब रहा है और इनके सारे साथी डूबते हुए जहाज को देखते हुए उस जहाज से उतर करके आज उस जहाज के डूबने का नजारा ले रहे हैं। जनता का विश्वास समाप्त हो गया है, जनता ने स्टिंग ऑपरेशन में देखा है किस प्रकार से माफियाओं का संरक्षण है, किस प्रकार से सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, स्टिंग ऑपरेशन में ही देखा है। और स्वयं मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले स्वीकार किया है कि मैं सरकार चलाने की मजबूरी के कारण भ्रष्टाचार की अनदेखी कर रहा था। जो मुख्यमंत्री केवल सरकार चलाने के लिए भ्रष्टाचार को स्वीकार करे, ऐसा भ्रष्टाचारी हरिद्वार की जनता को स्वीकार नहीं है और उनको वहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। बंसल साहब, हरिद्वार सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं, ऐसे में जो हरिद्वार की जो जनता है अभी तक मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है, अभी तक अभी उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। निश्चित रूप से हमारे विधायक के बहुत संघर्ष करने के बाद बहुत काम हुए हैं, किंतु मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का रवैया है, लेकिन जनता तो इससे उल्टा कह रही है ना सर, विधायकों की समीक्षा तक नहीं की विकास कार्यों की और जो विकास कार्य होने थे उनमें अंगुला लगाया, स्वीकृति के बाद भी वो कार्य होने नहीं दिए। इसको जनता अच्छी भली भांति जानती है और वो हमारे विधायक को समर्थन देकर के बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे उसकी जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं चाहिए जी उसको मिल सके। बंसल साहब, जब आपकी कोई सुन नहीं रहा था, विपक्ष में आप थे, तो दबाव आपकी तरफ से क्यों नहीं बनाएगा, ये मुद्दे उठाए क्यों नहीं गए? मीडिया में भी एक बार भी ये मुद्दा आपने नहीं उठाया। हमने हमेशा मुद्दा उठाया ना,
मैंने बताया 365 दिन हम सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं और हमने समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उठाया। क्या सदन में ये मुद्दे उठाए सर आपने? सदन में भी उठाया हमारे विधायक जी ने, मदन कौशिक जी ने, सबसे तेज तर्रार विधायक है। सदन की कार्रवाई आप देख सकते हैं जी। सदन में जितने जनहित के मुद्दे मदन कौशिक जी उठाते हैं, हमारे हरिद्वार के सभी विधायक, पांचों सीटें हमारे पास थी, पांचों विधायकों ने उठाया है। ये हरिद्वार हमारी विधानसभा का एक कार्रवाई का रिकॉर्ड ये बता सकता है कि सारे जनता के मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। बंसल जी कहते हैं हरिद्वार उधम सिंह नगर की जो बेल्ट है उसको जिसने जीत लिया वो दल सरकार बनाने में बेहद करीब रहता है, आप इस बात को मानते हैं? हरिद्वार उधम सिंह नगर की बेल्ट हमने पिछली बार पूरी जीती थी, लेकिन हम दुर्भाग्य से एक सीट कम होने के कारण सरकार बनाने से रह गए। इस बार वो हम बैलेंस पूरा कर लेंगे और कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे जी। और बसपा और समाजवादी पार्टी से कितनी चुनौती आपके लिए, क्योंकि वो भी उभर कर बाहर आ रहे हैं, खासकर तराई वाले इलाकों में अच्छी खासी पकड़ है इन दलों की। आज सारे विपक्षी एक पाले में खड़े हैं, कोई चुनौती नहीं दे रहा है। हम बहुत ही सुविधाजनक ढंग से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सबकी जनता में विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। सबको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला दल, उनके नेतृत्व की सरकार के साथ मिलकर चलने वाला दल उत्तराखंड में सरकार बनाएगा, तो डबल इंजन की सरकार होगी। एक इंजन दिल्ली में है और एक इंजन यहाँ का लगेगा, जो विकास में उत्तराखंड पिछड़ गया है वो डबल इंजन से विकास की रेल उस पर तेजी से दौड़ेगी जी। नरेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता नरेश बंसल थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके विधायक ने बेहद अरसे लंबे अरसे तक काम किया, हालांकि कई जो प्रोजेक्ट्स थे उनको स्वीकृति राज्य सरकार यानी हरीश सरकार की तरफ से नहीं दी गई, जिसके वजह से जो भी काम हरिद्वार ग्रामीण या हरिद्वार सीट से जो अटके हुए हैं वो उसका पूरा ठीकरा एक बार फिर कांग्रेस पर फोड़ते हुए नजर आए। तो हरिद्वार सीट बेहद हॉट सीट यहां पर बीजेपी के विधायक है, हालांकि हाल ही में कांग्रेस भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है सीट को जीतने के लिए। तो धर्मनगरी का यह धर्म युद्ध है। कौशिक को आपको बता दें कि पिछली बार यहां पर 42.2 वोट मिले थे, 42% वोट यहां पर मिले थे, वहीं सतपाल को यहां से 33% वोट मिले थे। तो आपको बता दें कि इस सीट से मदन कौशिक बीजेपी के प्रत्याशी हैं एक बार फिर, और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी कांग्रेस ने इन्हें अपनी तरफ से जो है इस बार सीट पर उतारा है, हालांकि जो बीजेपी है वो यहां से अजय है और अच्छी खासी पकड़ यहां पर बीजेपी की है, और एक बार फिर अब कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये वो सीट है यहां पर मतदाता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं, और उद्योगों का उद्योग भी यहां पर काफी सारे हैं। ऐसे में ये भी कांटे की टक्कर इस सीट पर भी देखी जाएगी। तो हरिद्वार सीट बेहद हॉट, और आपको बता दें कि हरिद्वार से सटी हरिद्वार ग्रामीण सीट से खुद सीएम हरीश रावत मैदान में हैं, और ये भी बेहद अहम सीट है क्योंकि इन तराई वाले इलाकों में कुछ अच्छी खासी पकड़ नहीं है, और इसीलिए सीएम हरीश रावत भी किचार हरिद्वार ग्रामीण से उतरे हैं। तो हरिद्वार पुराणों से लेकर महाभारत काल तक में मौजूद था, और बात अब हरिद्वार की सियासी मिजाज की करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से ही हरिद्वार एक विधानसभा बनी और हर बार इस सीट पर चुनावी जंग रोचक रही। इसके बाद अब बात करते हैं अगले मुद्दे की, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं काशीपुर की। काशीपुर विधानसभा में भी इस वक्त माहौल चुनावी है और हर उम्मीदवार जीत का दम भर रहा है। काशीपुर के सियासी शोर को सुने उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं काशीपुर के इतिहास और इसके पौराणिक महत्व पर। काशीपुर उत्तराखंड का एक अहम शहर, इतिहास में एक अलग पहचान और अपना एक अलग नाम, एक अलग पौराणिक छवि और बदलते वक्त के साथ औद्योगिक होने की पहचान भी काशीपुर को उत्तराखंड में बेहद अहम बना देती है। उत्तराखंड के तराई इलाके में बसा छोटा और खूबसूरत शहर है काशीपुर। काशीपुर के इतिहास को कुरेने तो पुराणों में इसे उज्जनक नाम से लिखा गया है। राजा हर्ष के समय यानी 606 ईस्वी में भी इसका जिक्र मिलता है। हर्ष के समय यानी 606 से 641 ईस्वी के समय काशीपुर को गौविषाण के नाम से जाना जाता था। इतिहास में दर्ज है कि लगभग इसी वक्त चीनी यात्री हेनसांग भी यहां आया था। अब आपके मन में ये जानने की दिलचस्पी होगी कि गौविषाण से इस शहर का नाम काशीपुर कब पड़ा। इस जगह का नाम काशीपुर चंद राजा काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा। कहते हैं कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में चंद राजा काशीनाथ अधिकारी ने ही इसे बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम काशीपुर पड़ गया। आपको बता दें कि काशीपुर चंद राजाओं की निवास स्थली रही और कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी की जन्मस्थली भी काशीपुर ही रही। काशीपुर के पुराने किले को उज्जैन कहा जाता है और इस किले की दीवारें 60 फुट ऊंची हैं। काशीपुर के इतिहास को खोजने के लिए यहां सबसे पहले 1942 में खुदाई की गई। इसके बाद 1970 से 72 के बीच और फिर साल 2002-03 में खुदाई की गई। यहां हुई खुदाई में हर्ष के समय के मंदिर और शहर के अवशेष मिले हैं। आपको बता दें कि शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पुरानी बसावट मिली है और यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों, इमारतों की बनावट से ये पता चलता है कि काशीपुर महाभारत काल से अस्तित्व में है। काशीपुर के धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर पास में ही मोतेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही पास में जागेश्वर महादेव का मंदिर भी अपना एक अलग महत्व रखता है और ये मंदिर 20 फुट ऊंचा है। काशीपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बाल सुंदरी देवी का, जिसे चैती देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का शिल्प मस्जिद की तरह है, जिससे ये माना जाता है कि इस मंदिर को मुगल साम्राज्य के वक्त में बनाया गया होगा। काशीपुर विधानसभा की आबादी की बात करें तो साल 2012 के विधानसभा चुनावों में यहाँ 1,80,042 वोटर थे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1,21,623 थी, जिसमें 63,609 पुरुष थे जबकि 58,014 महिलाएं थीं। पढ़ी लिखी आबादी की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर बेहद उम्दा है और ये 82.45% है। काशीपुर विधानसभा की आबादी में करीब 63% आबादी हिंदुओं की जबकि 35% आबादी मुस्लिमों की है। यानी कह सकते हैं कि सीट के नतीजे क्या होंगे अनुमान लगाना आसान नहीं। रफी खान, जैन टीवी, काशीपुर। तो काशीपुर बेहद पुराना शहर है और इसका अपना अलग पौराणिक महत्व है। संस्कृति से निकलकर अब बात सियासत की करते हैं। इस सीट की आवाम ने पिछले 3 चुनावों में एक ही चेहरे पर भरोसा जताया है। देखते हैं इस सीट के का सियासी सफरनामा। करें तो इन चुनावों में 154 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इन चुनावों में कुल 1,17,800 वोटरों में से 81,965 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कुल 69.33% वोटिंग हुई और टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही। इन चुनावों में हरभजन सिंह चीमा ने जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के मनोज जोशी को पटकनी दी। हरभजन सिंह चीमा ने 38.71% वोट हासिल किए जबकि कांग्रेस के मनोज जोशी को 35.8% वोट मिले। प्रतिशत को यदि नंबरों में बदले तो बीजेपी के हरभजन सिंह चीमा को 31,734 वोट मिले तो कांग्रेस के मनोज जोशी के खाते में 29,352 वोट आए, मतलब 2.91% यानी 2,382 वोटों से मनोज जोशी को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं 2012 से पहले हुए विधानसभा चुनावों यानी 2007 की। 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में कुल 1,36,302 मतदाताओं में से 94,340 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी इन चुनावों में वोटिंग परसेंटेज 69.21% का रहा। यूं तो इन चुनावों में भी टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच ही लग रही थी, लेकिन जब नतीजों का ऐलान हुआ तो ये चौंकाने वाले रहे। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी हरभजन सिंह चीमा के आसपास कोई उम्मीदवार नहीं पहुंच पाया, लेकिन दूसरे नंबर पर न कांग्रेस रही न बसपा। इन चुनावों में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद जुबैर रहे,
और उन्होंने कांग्रेस के सत्येंद्र चंद्र को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। चौथे नंबर पर बीएसपी के अवतार सिंह रहे। इन चुनावों में बीजेपी के हरभजन सिंह चीमा को 33.66% यानी 31,756 वोट हासिल हुए और उन्होंने जीत दर्ज की। 17.27% यानी 16,295 वोट लेकर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद जुबैर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस और बसपा में ज्यादा वोटों का अंतर नहीं रहा और जहां कांग्रेस के सत्येंद्र चंद्र 16.67% यानी 15,722 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, तो वहीं बसपा के प्रत्याशी अवतार सिंह 16.4% यानी 15,474 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। आंकड़ों से यह साफ है कि 2007 के चुनावों में पहले और दूसरे नंबर पर वोटों का बहुत बड़ा अंतर रहा और हरभजन सिंह चीमा ने 15,461 वोटों यानी 16.39% से एक बड़ी जीत दर्ज की। तीसरे नंबर के लिए कांग्रेस को बसपा से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। बात अब उत्तराखंड बनने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनावों यानी 2002 की कर लेती हैं। इन चुनावों में इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 109,454 थी, जिसमें से 54.76% वोटर्स यानी 59,933 वोटर्स ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही। बीजेपी के हरभजन सिंह चीमा और कांग्रेस के केसी सिंह बाबा के बीच कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन अंत में जीत हरभजन सिंह चीमा के खाते में आई। इन चुनावों में हरभजन सिंह चीमा को 30.69% यानी 18,396 वोट हासिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के केसी सिंह बाबा को 30.37% यानी 18,201 वोट मिले। यानी जीत हार का अंतर बेहद कम रहा और महज 0.33% यानी 195 वोटों से जीत हरभजन सिंह चीमा के खाते में आई। पूरे सियासी सफर को गौर से देखें तो इस सीट पर दो बातें बेहद अहम रही। पहली ये कि इस सीट पर हरभजन सिंह चीमा या कहें बीजेपी का कद हमेशा ऊंचा रहा और दूसरी ये कि इस सीट पर बसपा की पकड़ भी बेहद मजबूत है। बहरहाल 2017 के चुनावों में कौन काशीपुर का किंग होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस सीट के सियासी इतिहास से तो ऐसा लगता है कि यहाँ फाइट त्रिकोणीय हो सकती है। रफी खान, जैन टीवी, काशीपुर। राजीव अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी काशीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल यही सर, काशीपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? काशीपुर की जनता मुझे वोट इसलिए देगी कि पिछले 20 वर्षों से काशीपुर को विकास के नाम पर जीरो कर दिया है और काशीपुर आज इतना पिछड़ चुका है कि जनता सब त्राई त्राई मचा रहे हैं जनता के अंदर। जी तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे? जनता के उम्मीदों के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी मैंने छोड़ी है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव इसीलिए लड़ रहा हूँ। तो आपसे जानना चाहते हैं राजीव जी, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सियासी मैदान में उतरे हैं? सबसे प्रमुख मुद्दा काशीपुर में जल भराव का है जी, और उसके दूसरी है जाम की समस्या है। जिला काशीपुर 60 वर्षों में जिला नहीं बन पाया कोई भी, तो मैं इन तमाम ऐसे जनमत मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता की जो इच्छा है, जनता की जो भावना है, और निश्चित तौर पर जब मैं विजयी होकर जाऊंगा तो विधानसभा में सबसे पहले इन समस्याओं की ओर ध्यान दूंगा। राजीव जी बताओ, निर्दलीय कितना मुश्किल है आपके लिए काशीपुर सीट को जीतना, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों काफी मजबूत यहाँ पर? ये आपके प्रतिनिधि हैं, वो देख रहे होंगे, काशीपुर की जनता मुझे झंझंग से प्यार दे रही है। इतने राष्ट्रीय दलों के साथ में कोई कार्यकर्ता नहीं चल रहा है जितनी जनता मेरे साथ चल रही है, इसलिए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि काशीपुर विधानसभा इस बार निर्दलीय के खाते में जाएगी। राजीव अग्रवाल जनता का प्रतिनिधि बन करके विधानसभा जाएगा। राजीव जी, यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस तो ही, साथ ही बसपा ने भी यहाँ से कमर कस ली है, कितनी बड़ी चुनौती? मेरे सामने तीनों उम्मीदवार इतने हल्के हैं, निश्चित तौर पर मुझे सारे समाज का, हिंदुओं का भी, मुस्लिम समाज का भी, सिख समाज का भी, सबका, मुझे मेरा मानना ऐसा है कि मैं सर्वदलीय और काशीपुर का एक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि ये सारी पार्टियों के नाराज लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राजीव अग्रवाल को वोट देंगे इस बार। राजीव जी, आपसे वहाँ के स्थानीय मुद्दे जानना चाहते हैं, क्या डिग्री कॉलेज है काशीपुर में? बहुत सारे मुद्दे हैं, मेरा मैनिफेस्टो कल जारी होने वाला है, तैयार हो रहा है, तो उस मैनिफेस्टो के हिसाब से मैं सर जैन टीवी के मन से अपने मैनिफेस्टो के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ आपके मैनिफेस्टो में रहेगा? जी जी, अभी मेरा मैनिफेस्टो जब जारी होगा
सबको एक साथ करूंगा, आज जाना संभव नहीं है। लेकिन ये जो डिग्री कॉलेज की बात कही आपने, तो डिग्री कॉलेज भी यहाँ की जरूर समस्या है बच्चों के लिए, उसकी सारी व्यवस्था सुधरवाऊंगा और जो कक्षाएं उसमें कम है उनको भी मैं पूरा करवाऊंगा। सर मैनिफेस्टो में आपने बनाया है तो कुछ मुद्दे तो आपको जाहिर तौर पर पता होंगे, वो कुछ मुद्दे आप बता दीजिए जो मुद्दे आपको लगते हैं कि वाकई सबसे बड़े हैं। आज मुद्दे बताने की स्थिति में नहीं हूँ, तैयार हो रहा है तो सर, जनता सुन रही है आपको। चैनल को बुलाऊंगा साथ में, जब उसको मैनिफेस्टो को जारी करूंगा तो वो आपके जो प्रतिनिधि है वो सब उसको आपको जानकारी। राजीव जी, काशीपुर की आवाम आपको सुन रही है, आप बता दीजिए कुछ मुद्दे। मैंने बताया ना, जो मुद्दे आपको बता दिए हैं उन मुद्दों के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए सर, कल भी आपको मैनिफेस्टो जारी करना ही है, आप आज बता सकते हैं जी। आज आज वो मेरा भी मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, इसलिए बताने की आज स्थिति नहीं है जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निर्दलीय प्रत्याशी राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि उन्होंने कहा कि कल वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे और आज एक भी मुद्दा वो बताने से पूरी तरह से हिचकते रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर पर जल भराव का मुद्दा है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तमाम अन्य जो मुद्दे हैं उनको वो उठाएंगे। साथ ही बीजेपी की जो सरकार, बीजेपी के जो विधायक रहे हैं, उनके जो कार्यकाल रहा है जिसमें पूरी तरह से फेल बीजेपी की जो है विधायक रहे हैं, वो उसको उठाकर वो इस चुनाव में है कूदे हुए हैं और उनके टक्कर का कोई नहीं है। तो काशीपुर में भी जो है इस बार जो टक्कर है वो बेहद जो है साफ देखने को मिल रही है। और आज आपको बता दें कि काशीपुर खुद सीएम हरीश रावत भी पहुंच रहे थे कांग्रेस की तरफ से, चुनावी पक्ष में उन्होंने माहौल बनाया। और आपको बता दें कि इसी विधानसभा सीट से मनोज जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी और हरभजन सिंह चीमा अजय इस सीट पर बढ़त बनाए हुए, हालांकि बीच में एक जो टक्कर रही वो बेहद कांटे की रही, लेकिन एक बार फिर इन चुनाव में अब बीजेपी कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में दिखाई दे रही है और साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस वक्त इन चुनाव में उभर कर आई है। तो यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला काशीपुर विधानसभा सीट पर है और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहां से ताल ठोकी है, ऐसे में वोट कटुआ के तौर पर ये उभर सकते हैं। तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि हरभजन सिंह चीमा यहां से आ जाए हैं, हालांकि जनता के कई मुद्दे हैं, जनता जिनसे नाराज है कि अभी तक जल भराव की जो समस्या है वो पूरी नहीं हुई है। हालांकि अगर बात विधायक से की जाती है तो विधायक साहब कहते हैं कि वो लगातार इस बाबत कई सारे स्वीकृति जो है भेजी जाती है, फंड नहीं मिलता है, तो तमाम तरह की जो है बातें विधायक साहब कहते रहते हैं। तो आपको बता दें कि अच्छी खासी तादाद यहां पर वोटर्स की है, वोट भी अच्छी मात्रा में यहां पर किए जाते हैं और अभी तक तो बीजेपी की तरफ से जो है बीजेपी को ही यहां पर विजय बनाया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम जो समस्या है वहां के साथ कितने वोटर्स वहां पर है, आबादी कितने, तमाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो चुनाव नजदीक है, हम भी आपसे अपील करते हैं कि इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें क्योंकि यह आपका अधिकार है और आप जो है इन मतदानों में मतदान देने आप जाएं। और इससे पहले जो भी विधायक आपके पास आ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, आप उनसे सवाल करें और सवाल कि आपके मुद्दे वो कितने उठाते हैं, जो विधायक आपसे उनसे सवाल आप करें कि कितने मुद्दे उन्होंने आपके जो है सदन में उठाए हैं, साथ ही विकास कार्य क्या किए हैं, तमाम सवाल जनता को भी पूछने चाहिए। मनोज जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए। जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन टीवी में। सर सबसे पहला सवाल यही कि जनता आप लोगों को वोट क्यों दे, खासतौर पर आपको वोट क्यों दे? हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे जोशी जी? सर थोड़ा मीटिंग में व्यस्त है तो मैं इनसे आपकी बात करा, लगता है उनके साथ संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि मनोज जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी से हमारी बात हुई थी, हालांकि उन्हें जो है आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी समस्या है। तो कांग्रेस की तरफ से मनोज जोशी पर किस्मत आजमाई गई है और उनके सामने खुद हरभजन सिंह चीमा है जो दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है, अजय नेता है। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं, खुद सीएम हरीश रावत तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं, खुद डोर टू डोर कार्यक्रम तमाम नेता कर रहे हैं, खुद मनोज जोशी भी डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी के साथ प्राइम टाइम में एक बार फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।